प्रिय स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर से पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स को पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और इनके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें जितने भी ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो कैसी हैं, ये सब सेमी फ्लूइड होती हैं, जिसमें लिपिड जो होता है वो लिपिड के अणु सेमी लिक्विड अवस्था में उपस्थित होते हैं। और फॉस्फोलिपिड के फॉस्फोलिपिड इसमें माइग्रेट रूप में है। तो दो प्रकार के इसी फॉस्फोलिपिड्स के साथ इसमें दो प्रकार के प्रोटीन्स मिलते हैं, जिनको हम बाहर की तरफ जो प्रोटीन है उसको एक्सटेंसिव प्रोटीन कहते हैं और इंटरनल वाले जो होंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रकार का प्लाज्मा कला का जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडल जो है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क लिपिड की दो परतों और आंतरिक प्रोटीन से मिलकर बनता है। ये दोनों मोज़ेक फैशन में व्यवस्थित रहते हैं। लिपिड और प्रोटीन जो है वो किस फॉर्म में है, एक मोज़ेक फॉर्म में है। और इनमें आंतरिक प्रोटीन लिपिड परत के अंदर आंशिक रूप से, ये देखो आंतरिक प्रोटीन जो है इनर प्रोटीन जो है वो इस लिपिड लेयर के अंदर की ओर अंतर्वेशित होती है, यानी इंटरमीडिएट रहती है। और कुल प्रोटीन का ये, और यहाँ कुल प्रोटीन का 70% पार्ट होता है। और इसमें जो नॉन पोलर लिपिड के बीच में तथा पोलर के, ये जो प्रोटीन जो है नॉन पोलर प्रोटीन नॉन पोलर लिपिड के बीच में तथा पोलर ग्रुप के बाहर निकले रहते हैं। और इसमें जो मेम्ब्रेन के जो बाहरी सतह पर जो उपस्थित है वो एक्सटेंसिव प्रोटीन होते हैं और ये टोटल 30% होते हैं। यानी अंदर वाले जो प्रोटीन होंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो तो 70% होता है और एक्सटेंसिव प्रोटीन का पार्ट जो होता है वो 30% होता है। इसको आसानी से अलग किया जा सकता है, यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन को जो है इसको हम अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंसिव प्रोटीन जो है वो अलग हो सकती है। आंतरिक प्रोटीन के पोलर एंड, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उसके पोलर एंड सतह के बाहरी होने के कारण, बाहर की तरफ सतह के बाहर होने के कारण इसमें एंजाइमेटिक और एंटीजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन के एक्टिव साइट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सतह पर पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेमी फ्लूइड फॉर्म जो है वो लिपिड और निश्चित आकार के छोटे छोटे समूह के कला के अंदर अंदर गति में ही उपस्थित होता है, व्याख्या करता है। एरिथ्रोसाइट्स और दूसरी जो मेम्ब्रेन है उसको फ्रिज फ्रैक्चर कला के तरंग रूप को पुष्टि करते हैं। और इनमें इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सटेंसिव प्रोटीन, मतलब सिंगल निकोलसन का जो मॉडल जो है फ्लूइड मोज़ेक, इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सटेंसिव प्रोटीन कहलाता है। और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो लिपिड बायोपोलर लेयर के अंदर उपस्थित होता है और ऊपर की तरफ जो है इसमें बाउंड्री लिपिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर बाउंड्री लिपिड्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से पार्टिकल्स भी दिखते हैं। ये सूक्ष्मकण लिपिड परत में धंसे हुए आंतरिक प्रोटीन के अणु भी होते हैं। और इस प्रकार से लिपिड और इंट्रिंसिक प्रोटीन के अणु लिपिड बायपोलर के बीच में एक गति कर सकते हैं, किंतु ये गति जो होती है बाहरी और भीतरी आधे भाग से लिपिड तथा प्रोटीन अणु द्विपरत के आधे भाग से नहीं जा सकते। इस प्रकार से प्रोटीन और लिपिड अणु की गति ही कला की तरलता के, मतलब जो फ्लूइड मोज़ेक फ्लूइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लिपिड और प्रोटीन जो होते हैं वो आपस में उनकी गति हो रही है, इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। और इस तरीके से ये हमारा मॉडल जो है वो कहलाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सिंगर और निकोलसन ने इसको दिया था। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमको पता है कि लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसके अलावा उनमें कुछ एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं।
लिपिड और प्रोटीन का अलग अनुपात जो होगा वो हर अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे एरिथ्रोसाइट्स में मानव, जैसे ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स में इसका लिपिड एंड प्रोटीन का जो रेशो होगा वो होता है 60-40 का होता है। जो अगर हम रेड मसल में बात करें तो 65-35 का होता है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन तो आ गया, फर्स्ट हम पढ़ते हैं लिपिड क्या होता है। लिपिड जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? लिपिड हम लोग सभी जानते हैं फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मुख्य लिपिड होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड होता है, फॉस्फोलिपिड या लेसिथिन, स्टीरियोल्स और ग्लाइकोलिपिड्स इसमें पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स इसमें न्यूट्रल फॉर्म में या एसिडिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। और न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स का पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है और इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं मिलता। लिपिड के दोनों स्तरों के बीच में कोलेस्ट्रॉल, ये लिपिड के दोनों स्तरों के बीच में जो नेगेटिव जो न्यूट्रल फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के साथ पाए जाते हैं, और जैसे फॉस्फोटिडिल कोलीन और लेसिथिन। और जो एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उन एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स में ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज होता है और ये लिपिड प्रोटीन के द्वारा ही जुड़े रहते हैं। इसमें फॉस्फोडिटिल एसिटॉल कहते हैं, फॉस्फोडिटिल सीलीन कहते हैं, फॉस्फोडिटिल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की बायलेयर लेयर होती है। फॉस्फोलिपिड जो होती है असिमेट्रिकल रूप से व्यवस्थित होती है और द्विपरत के बाहरी द्रव के संपर्क में रहने वाले लैसिथीन और स्फिग्नोमाइलिन इसमें पाया जाता है। कोशिका द्रव की तरफ पाए जाने वाले आधे भाग में फैसिटिडिन, इथेनॉल एमीन और फॉस्फेटिल सीरीन पाया जाता है और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो बाहरी आधे भाग में पाए जाते हैं। और लिपिड में हमको पता है कि इनके दो सिरे होते हैं, हेड एंड टेल, जिसमें से उसका हेड जो होता है वो जल में घुलनशील ग्लिसरॉल द्वारा बना रहता है और जो टेल होती है वो इससे बनी होती है, वो ये जल में अघुलनशील तथा वसीय अम्ल का होता है। लिपिड में अणु जो होते हैं 4.5 मोटी द्विस्तरीय परत बनाते हैं जिसमें नॉन पोलर जो पार्ट होता है वो अंदर की ओर होता है। और इस तरीके से लिपिड के दोनों स्तरों के बीच में पूछ जो होती है वो एक दूसरे फेसिंग टुगेदर होती है, एक दूसरे की, मतलब ये देखो टेल जो है वो एक दूसरे की, दोनों साइड की लिपिड्स की टेल जो होती है वो एक दूसरे के, उनके फेस एक दूसरे के सामने होते हैं। बाह्य स्तर पर प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन का डिपोजिशन भी पाया जाता है। प्रोटीन में लिपिड्स का, अब उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो है उसका मेन काम क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बनाता है और ये परमिबिलिटी में एक गतिरोध या अवरोध का कार्य करता है। अवांछित पदार्थों को आवागमन नियंत्रित किया जा सकता है। प्रोटीन जो है, सेकेंड हमको पता है केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का जो है वो सभी जैविक कलर जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती है उनका मेन कंपोनेंट प्रोटीन होता है। प्रोटीन भी दो तरह के प्रोटीन होते हैं, जिसमें एक पेरिफेरल प्रोटीन जिसको हम एक्सटेंसिव प्रोटीन कहते हैं और एक इनर प्रोटीन होती है जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। एक्सटेंसिव या पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं वो लिपिड परत के बाहर भी अंदर में एक स्तर निर्मित होती है, किंतु ये बाहर उपस्थित होने के कारण लिपिड से संलग्न नहीं रहते। इसको एक्सटेंसिव प्रोटीन को लिपिड से अलग नहीं है, इसलिए इस प्रोटीन को इजीली अलग किया जा सकता है। ये जलीय घोल में घुलनशील होती है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की साइटोक्रोम के अंदर, और इनमें हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होते हैं वो अम्ल प्रचुरता से पाए जाते हैं और इनका पोलर एंड यही अमीनो अम्ल अणुओं के ध्रुवीय क्षेत्र तथा भारी जल में अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो अंदर की तरफ प्रोटीन पाई जाती है, लिपिड के अंदर धंसी रहती है। वो जो एक्सटेंसिव थी वो उस पूरी लिपिड लेयर के अंदर जो है प्रोटीन का एक्सटेंसिव का 30% पार्ट होता है, जबकि इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो 70% भाग होती है। इसमें लिपिड के पोलर एंड कला के बाहर स्थित होते हैं जबकि उसके नॉन पोलर पॉइंट जो होते हैं वो टेल के साथ धंसे रहते हैं। इस प्रोटीन के अमीनो अम्ल हाइड्रोफोबिक साइड चेन युक्त होते हैं तथा फॉस्फोलिपिड के वसा अम्ल की पूंछ के साथ ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बनाते हैं। प्रोटीन जल में अघुलनशील होता है, परंतु कुछ प्रोटीन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या डिटर्जेंट के द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। इनर प्रोटीन जो है वो ऑलिगोसैक्राइड्स फॉस्फोलिपिड से भी संलग्न होती है। प्लाज्मा कवर कला पर पाए जाने वाले एंटीजीन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ जुड़े रहते हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो सिनेप्टिकल ट्रांसमीटर का कार्य करते हैं। कला की मोटाई के, इस मेम्ब्रेन की मोटाई में पाए जाने वाले आंतरिक प्रोटीन का माध्यम भाग जो होता है लिपिड में रहने वाला हाइड्रोफोबिक होगा
और बाहरी भाग हाइड्रोफिलिक होता है। प्रोटीन के क्षेत्र भाग में शर्करा की भी श्रृंखलाएं जुड़ती हैं और इस प्रकार से ये प्रोटीन के विभिन्न प्रकार का ओरिएंटेशन भी विन्यासन भी करती है। इन्हीं के कारण कला में विभिन्न भागों में प्रोटीन का इस प्रकार का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो असिमेट्रिकल मेम्ब्रेन बनाता है और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ही इसमें सभी के अंदर जो है परमकला के अंदर आंतरिक और बाह्य स्तर पर परिधीय प्रोटीन का वितरण भी अलग अलग दृष्टि से भिन्न भिन्न होता है। जैसे अंदर के आधे भाग पर बाहर की तुलना में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा शीघ्र घुलने वाली पॉलीपेप्टाइड में कोशिका द्रव अंदर की सतह पर पाए जाते हैं। बाहर की ओर पाए जाने वाले प्रोटीन अघुलनशील होने के कारण लिपिड से जकड़े रहते हैं। इस तरीके से केमिकल कंपोजिशन में लिपिड एंड प्रोटीन होंगे। प्रोटीन का काम क्या होगा? प्रोटीन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोटीन के कारण ही उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो यांत्रिक रूप से स्थिर भी है और इलास्टिक भी होती है। इस कला के अंदर ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है और इस तरीके से प्रोटीन एंजाइम और एंटीजन की तरह भी कार्य करता है। प्रोटीन रिसेप्टिकल मॉलिक्यूल की भी तरह काम करते हैं और इनमें फॉस्फो प्रोटियोलिपिड्स में ड्रग रिसेप्टिविटी भी काफी गुण पाया जाता है। नेक्स्ट होता है इसमें कई प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं जैसे एन न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम, एटीपीएज, एक्टिवेटेड पोटेशियम सोडियम एक्टिवेटेड, एल्काइन फॉस्फेट, एडिनाइल साइक्लेज, फॉस्फो मोनोएस्ट्रेज और आरएनए, ये भी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इनमें सोडियम पोटेशियम सक्रिय, एमजी प्लस टू, एटीपीएज प्लाज्मा कला से होकर आयन ट्रांसफर में भी भाग लेते हैं। इस प्रकार से एक कैरियन प्रोटीन का काम करते हैं। इसके अलावा इनके केमिकल कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनमें हेक्सोज होगा, हेक्सोजामीन है, फ्यूकोज, सेलिक अम्ल जैसे कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा कला से जुड़ते हैं और लिपिड से जुड़े हुए ग्लाइकोलिपिड्स होंगे, प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन होंगे। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से बाहरी सतह पर पाए जाते हैं और इस तरह से प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल से निर्मित होती है। तो इसमें एम्फीपेटिक करेक्टर होता है, इसका उभयधर्मी गुण होने के कारण दोनों ध्रुवीय झिल्लियां वाली होती है और इनके ये दोनों दो बाहरी और दो बाहरी सिरे निम्न गुणों वाले होते हैं जैसे हाइड्रोफोबिक तो जल में घुलनशील तथा जल से दूर रहने वाला सिरा, ये तो नॉन पोलर सिरा कहलाएगा। ये सिरा बाहर की ओर होता है, इसको हम हेड कहते हैं। हाइड्रोफोबिक हेड है जो जल में अघुलनशील होता है, जल से दूर रहता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक जो जल में घुलनशील है, ये पोलर एंड कहलाएगा, ये टेल कहलाता है और ये सिरा फैटी एसिड से बनता है। इस प्रकार से इसमें फैटी एसिड्स लैसिथिन के दो अणु ग्लिस्ट्रॉल के बैकबोन से अपने कार्बोक्सिल समूह द्वारा आबंध रहते हैं। ये ग्लिस्ट्रॉल की बैकबोन पोलर एंड के फॉस्फेट से संयुक्त होकर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का भी निर्माण करते हैं और दोनों प्रोटीन द्विस्तरीय लिपिड दोनों तरफ से पाई जाती है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक तो उसका जल विरोधी पार्ट जो होगा वो तो बाहर की तरफ होगा और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पोलर पार्ट है जो जल में घुलनशील है वो अंदर की ओर उपस्थित होता है। लास्ट हमने पढ़ना है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? नेक्स्ट सेल के अंदर सेल वॉल के बाद नेक्स्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसका काम भी जीव द्रव्य को मेन जो अंदर साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, सुरक्षात्मक कवच का कार्य करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी होता है। इसकी विशेषता है कि कोशिका द्रव की सांद्रता को भी नियंत्रित करती है और विभिन्न प्रकार के पदार्थों को अंदर आवागमन का भी काम करती है। इनमें रिमूव टॉक्सिन थ्रू एग्जोसाइटोसिस, एग्जोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा कोशिका वमन क्रिया के द्वारा विषैले पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का भी काम करती है। इसके अलावा ये सेल के साइज को भी कंट्रोल करती है, कंट्रोल ऑफ साइज ऑफ सेल, ये कोशिका के आकार को नियंत्रित करती है। प्रोटीन इसमें एक्ट एज अ कैरियर, प्रोटीन कैरियर की तरह काम करते हैं। ये प्रोटीन के साथ प्लाज्मा कला अपने आयंस को प्रोटीन के साथ बांधकर एक कैरियर के रूप में जीव में पहुंचाने का भी काम करती है। तो इसके प्रोटीन जो होंगे वो आयंस को अंदर और बाहर ले जाने का कार्य करते हैं। रेस्पॉन्स ऑफ स्टेमुलाई होता है, इनमें उद्दीपन प्राप्त करना, बाहरी वातावरण से स्टिमुलस लेके प्लाज्मा कला
कोशिकाओं के प्रोटीन सिग्नल द्वारा भी सूचना प्रेषित करते हैं। इससे कोशिका अपने आप को बाहरी वातावरण के साथ व्यवस्थित कर देती है। तो रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली जो होता है वो उद्दीपन प्राप्त करने का गुण भी प्लाज्मा कला में उपस्थित होता है। नेक्स्ट होता है इंटरैक्शन विद नेबरिंग सेल्स। जो प्लाज्मा कला जो होती है वो अपनी एडजस्टिंग सेल्स जो होती है उनके साथ रासायनिक क्रिया द्वारा संरचनात्मक संपर्क भी बनाए रखती है। तो उनका आसपास की कोशिकाओं के साथ इंटरेक्शन भी होता है। नेक्स्ट होता है फैगोसाइटोसिस। कोशिका पायन की क्रिया के द्वारा प्लाज्मा कला द्वारा जितने भी तरल पदार्थ जो होते हैं उनको कोशिका से बाहर निकालने का, बाहर से कोशिका द्रव में पहुंचाने, तरल पदार्थों को बाहर से कोशिका द्रव में पहुंचाने का काम फैगोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फैगोसाइटोसिस के द्वारा तरल पदार्थ बाहर से कोशिका द्रव में पहुंचाने का आते हैं। नेक्स्ट आता है फैगोसाइटोसिस के द्वारा ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीवाणुओं को, विषाणुओं को, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट रखने का काम करती है। मतलब जैसे प्रोटोजोआ, ना प्रोटोजोआ अमीबा में इसके द्वारा भोजन पहुंचाती है। और इस प्रकार से ये ना केवल जीवाणु विषाणु से रक्षा भी करती है, इसके अलावा अमीबा, प्रोटोजोआ और इसके द्वारा ये भोजन पहुँचाने का भी काम करती है। फैगोसाइटोसिस के द्वारा केवल प्लाज्मा कवला जीवाणु विषाणु से सुरक्षा प्रदान करती है और सुरक्षा करेगी, और सुरक्षा के साथ साथ इसके सेल के अंदर किसी भी प्रकार का, सेल में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। तो आज हमने इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड बेसिक मॉडल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी किया। थैंक यू।